24 घंटे कुर्स में 400 सैनिकों की मौत। रूस के अंदर अब F-16 से हमला, बड़ी खबर इस वॉर फ्रंट से भी है, जहां जानिए किस तरीके से रूस के बेलगरोद में यूक्रेन के हमले को लेकर भी खबर आई है। और बेलगरोद में यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक है, आपको बता दें फसल काटने वाली मशीन पर यूक्रेन का ये हमला, और यूक्रेनी हमले में हार्वेस्टर कंबाइन तबाह हो चुकी है। रूसी सेना ने यूक्रेनी हमले को लेकर किए हैं दावे। और यूक्रेनी वॉर जोन में ही हाईमार्स अटैक को लेकर भी खबर है, यूक्रेनी पोस्ट पर दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं। हाईमार्स हमले में यूक्रेन में भारी तबाही। और कुर्स में यूक्रेनी टैंक पर ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर आई है, जहां यूक्रेनी टैंक पर कैमिकाजी ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। रूसी हमले में यूक्रेनी T-72M1 टैंक नष्ट हो चुका है। कुर्स में रूसी सेना पलटवार कर रही है। अब एक साथ हमलों को लेकर खबर ये सामने आई है, जहां अब यूक्रेनी हमले में हार्वेस्टर कार्बाइन को तबाह कर दिया गया और यूक्रेनी पोस्ट पर दर्जनों रॉकेट जिस तरीके से दागे गए, साथ ही रूसी हमले में यूक्रेन को भी तबाही को लेकर बड़े दावे किए गए। और ये स्पेशल ऑपरेशन हुआ कुर्स्क में रूसी सेना की तरफ से, जहां ये पलटवार की तस्वीर भी आई है सामने। अब रूस के 245 मिलिट्री बेस यूक्रेन की रेंज में, जी हां, एक और बड़ी खबर है, जहां जानिए किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देने के तहत यह साफ हुआ कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल के रेंज में 245 रूसी मिलिट्री बेस है। ATACMS मिसाइल की जद में कई एयरबेस और रूस के अंदर इस्तेमाल की परमिशन यूक्रेन मांग रहा है। अमेरिका के ATACMS हमले की परमिशन में देरी को लेकर खबर है। तो रूस के अंदर इस्तेमाल की परमिशन मांग रहा है यूक्रेन, और अमेरिका से फिलहाल इस परमिशन की देरी को लेकर खबर आ रही है। जहां हालांकि आपको यह बता दें कि किस तरीके से यूक्रेन दावा कर रहा है कि 245 रूसी मिलिट्री बेस उसकी रेंज में है, और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल की रेंज में 245 रूसी मिलिट्री बेस पर अटैक को लेकर ही परमिशन का किया जा रहा है इंतजार। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई, जहां रूस पर स्ट्राइक में F-16 का इस्तेमाल यूक्रेन करे, और F-16 इस्तेमाल पर नीदरलैंड से यह परमिशन मिली है। आपको बता दें रूस के भीतर F-16 से स्ट्राइक पर आपत्ति नहीं है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूस से जंग जीते, नीदरलैंड के डिफेंस चीफ इशेल्स हेम का यह दावा है। सिना सर, सवाल इस लिहाज से इन दो खबरों को दिखाते हुए कि एक तरफ जहां F-16 से अगर हमलों को लेकर परमिशन मिल भी जाती है, उसके जरिए तो ये साफ खतरा पहले ही अमेरिका को था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल से परमिशन का मतलब सीधे डायरेक्ट मॉस्को पर अटैक, और अगर यहां आर्मी टैक्टिकल मिसाइल से भी परमिशन मिलती है तो जाहिर सी बात है दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए सुरभि, F-16 को तो परमिशन मिल गया है जैसे आपने बताया नेदरलैंड से। ऐसा माना जा रहा था कि भाई यू नो सितंबर 65 F-16 इनको मिल जाएंगे। जेलेंस्की 100 मांग रहे थे, 1000 जेट पायलट यू नो ये हैं इनके फाइटर्स हैं रशिया के पास में, तो तकरीबन 1:10 का रेशियो है। उसमें भी इनके पायलट्स बहुत ज़्यादा ये नहीं है, कम समय तक इनकी ट्रेनिंग हुई है। पहला F-16 तो ऑलरेडी गिर चुका है, यू नो पहला आया था, और कहाँ से आया था याद, मेरे ख्याल से वो डेनमार्क का था, जो पहले 6 आए थे वो उनमें से एक जो, और वो कहाँ मारा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कर्माटोरस का इलाका है, ये नॉर्थ में पड़ता है, जहाँ आपने नाम शुरू शुरू में बताया था, जो पेवेरोस का इलाका है जहाँ भीषण लड़ाई चल रही है। तो उन्होंने कहा कि, और उन्होंने अभी तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि खुद का जो पैट्रियट बैटरी था कहीं उन्होंने मार दिया, मगर ऐसा नहीं है। रशिया उसको कह रहा है कि उन्होंने 400 या 300 जो उनके ये हैं उससे उन्होंने मार गिराया है। तो खैर पहला तो गिर गया है, ये यूक्रेन भी मान चुका है। तो ऐसा नहीं कि कोई गेम चेंजर हो जाएगा। देखिए कुर्स के अंदर में
एक दो थ्योरीज अभी आ रही हैं। एक थ्योरी शायद मेरा भी, एक कतराटा डिप्रेशन की एक बैटल हुई थी, मैनुवर वॉरफेयर की, ये बहुत सेकंड वर्ल्ड वॉर की है, खास छोड़ दिया जाता है ऐसे जगहों को, और खास करके कुर्स्क। यदि रशिया ने इतनी बड़ी गलती की कि वहाँ एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि अनप्रोटेक्टेड है, उसकी डोम हार्डन नहीं है, कि उसमें डायरेक्ट अटैक होगा तो बहुत बड़ी त्रासदी आएगी।